चलिए आज बनाते हैं सोयाबीन के कोफ्ते। तो सोयाबीन के कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप सोयाबीन लिया है, इसमें गरम पानी डाल दिया है और इसे 10 से 15 मिनट हम ढक कर रखेंगे ताकि हमारा सोयाबीन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, सोयाबीन अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसका हम सारा पानी निकाल देंगे। भरी से हमने पानी निकाल दिया है। अब हम यहाँ पे एक जार लेंगे, जार में यहाँ पे सोयाबीन की भरी डाल देंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पुदीना लिया है, 2 हरी मिर्च लिए हैं, 1 इंच अदरक का लिया है और इसे हम सभी को पीस लेंगे। ये देखिए सभी चीज़ पीस चुकी है। अब एक बर्तन में हमने निकाल लिया है। यहाँ पे 4 चम्मच बेसन डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डालकर मिक्स करेंगे। 1/2 टीस्पून नमक डालकर अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसका बॉल तैयार करेंगे। छोटे छोटे हमें बॉल बनाने हैं, अपने मीडियम साइज़ के बॉल बनाने हैं, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये देखिए बॉल बन के तैयार हो चुकी है और इसी तरह हम सब बॉल बना लेंगे। इसी तरह से हम और बॉल बना लेंगे। ये देखिए बॉल बनकर तैयार हो चुकी है। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसमें तेल डालेंगे और तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे हम कोफ्ते को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 से 5 कोफ्ते हम यहाँ पे डालकर फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे कोफ्तों को अच्छे से फ्राई करना है। ये देखिए हमारे कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम सभी कोफ्तों को निकाल लेंगे और जो बचे हुए कोफ्ते हैं उनको भी फ्राई कर लेंगे। और इस तरह से हमारे कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। और यहाँ मैंने दूसरी कढ़ाई ली, इसमें तेल डाला है और 2 से 3 प्याज को अच्छा मोटा मोटा काट लिया है। इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब यहाँ पर मैंने लहसुन और अदरक डाला है और खड़ी मिर्च डाली है और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। 2 से 3 टमाटर लिए हैं और इन्हें भी हम अच्छे से इस प्याज के साथ भून लेंगे। अच्छा सॉफ्ट हो जाए तब तक हमें इस टमाटर को भूनना है। यहाँ हम ढक देंगे ताकि प्याज और टमाटर हमारे अच्छे से भुन जाए और टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें हम मसाला डालेंगे। तो इसमें यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच नमक डाला है, 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा धनिया पाउडर डाला है और 1/2 चम्मच हम यहाँ पे लाल मिर्च डालेंगे और सभी चीज़ों को भूनेंगे। और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले नीचे लगे नहीं। मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब इस सभी मसालों को पीस लेंगे, फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब इसी तेल में कढ़ाई में हम कश्मीरी लाल मिर्च और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर ऐसे अच्छे से भूनेंगे और जो पिसा हुआ मसाला है वो भी ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। वैसे हमारा मसाला भुन चुका है पहले से ही, थोड़ा सा हम इसे और भूनेंगे। 1/2 चम्मच हम इसमें और नमक ऐड करेंगे। मसाला अच्छे से भून चुका है, करीब हमने 5 मिनट मसाले को भूना है। ये देखिए इसमें तेल छोड़ दिया है, मतलब हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। तो इस ग्रेवी बनाने के लिए हम इसमें पानी डालेंगे, आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं जितनी आपको ग्रेवी बनानी हो। अब देखिए पानी में बॉयल आ चुका है। अब इसमें हम कोफ्ते डालेंगे और कोफ्ते डालने के बाद हम करीब 5 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। तो सभी कोफ्ते हमने डाल दिए हैं, अब इसे हम ढककर पकाएंगे। तो ये अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी मलाई डाल देंगे और इसे अच्छे से चला देंगे और गैस बंद कर देंगे। और यहाँ पे मैंने धनिया डाला है, धनिया डाल के भी हम अच्छे से इसे चलाएंगे। और ये देखिए हमारे कोफ्ते अच्छे से बन चुके हैं। तो आई होप आपको
रेसिपी अच्छी लगी हो कोफ्ते की तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं, आसानी से कट जा रहे हैं।